हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5A कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस अ फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक 2/3, 5/8 एंड एक्सेट्रा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या इक्वल होता है, ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन जिसमें कि एक होल नंबर भी होता है और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो वो मिक्स्ड नंबर है। जैसे यहाँ एग्जांपल 2 1/3, यहाँ 2 होल नंबर है और 1/3 जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, तो इन्हीं तीनों तरह के फ्रैक्शंस पे बेस्ड है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5B। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन, इनमें से कौन से फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनको हमें बताना है। तो हम यहीं पर इस क्वेश्चन को मैं कर देती हूँ, इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हैं उनको लिखना है। सो फर्स्ट इज 1/2, देन 3/5, देन 10/11। केवल ये तीन ही फ्रैक्शन हैं जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनमें से कौन से फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर हैं। सो लेट स्टार्ट 3/2, देन 9/4, देन 8/8, देन 3, then 27/16, then 19/18 and 26/26। ये सभी फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, नाउ राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 5। 6 ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखने हैं जिनमें कि डिनोमिनेटर 5 हो। इट मीन्स हमें ऐसे फ्रैक्शंस लिखने हैं जिनमें डिनोमिनेटर 5 हो और न्यूमरेटर जो है वो 5 से बड़े हो। ठीक है, सो इस तरह के 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 एंड 11/5। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 13। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखने हैं जिसमें न्यूमरेटर 13 रहे। इट मीन्स सारे फ्रैक्शंस ऐसे होंगे जिसमें न्यूमरेटर 13 होगा और डिनोमिनेटर जो है वो 13 से कम होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 एंड 13/7। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ हमें मिक्स फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो ये डिनोमिनेटर है इससे होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो न्यूमरेटर है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट 5/7। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, 7 into 5 एंड प्लस 5,
बाय 7, ठीक है। डिनोमिनेटर वही रहेगा एंड न्यूमरेटर के प्लेस पे हम 7 इंटू 5 प्लस 5। नाउ 7 × 5 = 35 प्लस 5/7 इज इक्वल टू 40/7। तो 40/7 हमारा आंसर होगा। ये था फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, 9 × 3/8। सो न्यूमरेटर क्या होगा, 8 × 9 + 3 एंड डिनोमिनेटर इज 8। सो 8 × 9 = 72 प्लस 3/8 एंड 72 + 3 = 75/8। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, 6 × 3/10। सो 10 × 6 + 3/10, 10 × 6 = 60 प्लस 3 एंड बाय 10, 63/10। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से करेंगे, बहुत इजी है। नंबर 4, 3 × 5/11। इलेवन इंटू थ्री प्लस 5/11, 11 × 3 = 33 प्लस 5/11, 33 + 5 = 38/11 is the answer. Now question part 5, 10 9/14 is equal to 14 × 10 + 9/14. 14 × 10 = 140 plus 9/14 is equal to 149/14. Sixth part, 12 7/15. So 15 × 12 + 7/15. 15 × 12 करेंगे आएगा 180 प्लस 7/15 इज इक्वल टू 187/15। सेवेंथ पार्ट, 8 8/13। सो 13 × 8 + 8/13, 13 × 8 = 104 plus 8/13, and 104 + 8 is equal to 112/13. Now eighth part, 51 2/3, इसके लिए हो जाएगा 51 × 3 + 2/3, 51 × 3 = 153 plus 2/3, and 153 + 2 is 155 + 3. ओके, सो अप टू क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।